मॉर्निंग बच्चों, आज हम नैतिक शिक्षा क्लास थर्ड में जो आज हमारा टॉपिक है वो है कर्तव्य बोध। जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि कर्तव्य बोध, कर्तव्य बोध का जो है मतलब क्या होता है, इसका नैतिक शिक्षा में जो है क्या महत्व है वो जो है आज हम इस टॉपिक में समझेंगे। इसमें कर्तव्य बोध टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे कि हमारे जो है कर्तव्य क्या है। आपने प्रार्थनाएं आप भूल जाते हैं, प्रार्थनाएं करते भी हैं और प्रार्थनाएं आप जो है सुनते भी हैं। तो उसमें सबसे पहली जो प्रार्थना है वो बहुत ही फेमस है, वो है वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बनाए। यहाँ पर जो प्रार्थना में क्या कहा जा रहा है, प्रार्थना में कहा जा रहा है, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे दयानिधे, हमें ऐसा मार्ग दिखाइए जो कि सत्य के मार्ग पर चलता, मार्ग पर सत्य के मार्ग पर चलता हो। उसमें ईश्वर हम ऐसे मार्ग पर जो है क्या हो जाए, डट जाए, क्या हो जाए, डट जाए। तो क्या है वह शक्ति हमें दो, दया दिखे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, और पर सेवा पर उपकार में हम जीवन निज जीवन सफल बना। तो कहने का मतलब है कि हे ईश्वर, हमें ऐसी शक्ति दो जिससे कि हम अपने जीवन को, अपने जीवन को हम सफल बना सके और हम अपना जीवन जो है कब सफल बना सकते हैं, जब हम सत्य के मार्ग पर चले। किस मार्ग पर चले, सत्य के मार्ग पर हम चले। और हम सत्य के मार्ग पर कब चल सकते हैं, जब हमारे अंदर नैतिक गुण हो, हम नैतिक गुणों के बारे में जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, सेवा क्या है, परोपकार क्या है, शब्द का मार्ग क्या है। जब हम इन सारी बातों को समझ लेंगे, इन सारे शब्दों का अर्थ समझ लेंगे, तभी हम अपने जीवन को सफल बना सकते। हम प्रतिदिन कोई भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वह प्रतिदिन ईश्वर से या अल्लाह से या यीशु से या गुरुद्वारे में जो है वो क्या करता है, प्रार्थना करता है। कौन, हम ही किससे प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से करते हैं। तो हम प्रतिदिन क्या करते हैं बच्चों, ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। और मनुष्य कैसा प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य कहाँ रहता है, मनुष्य समाज में रहता है। मनुष्य क्या समाज के बिना रह सकता है, नहीं, वो अकेला अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। इसीलिए क्या है, मनुष्य को जो है सामाजिक प्राणी बताया अभी गया, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह समाज के बिना जो है क्या नहीं कर सकता,
वह समाज के बिना नहीं रह सकता है और समाज का जो निर्माण है वो कब हो सकता है, जब व्यक्ति एक व्यक्ति मतलब जब व्यक्ति में व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मैत्रीपूर्ण व्यवहार करे। कैसा? मैत्रीपूर्ण सौहार्दपूर्ण व्यवहार करे, तभी समाज में जो है परस्पर मित्रता का भाव रह सकता है। कब? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मतलब मित्रतापूर्ण व्यवहार करे, जो मित्रतापूर्ण व्यवहार करे, तभी समाज में जो कुरीतियां फैली हुई है वो क्या हो सकती है, दूर हो सकती है। विभिन्न व्यक्तियों के संबंधों का निर्वहन तभी संभव हो पाता है जब वे अपने कर्तव्यों का समुचित पालन कर सकते हैं। कहने का मतलब है हम जिस समाज में रहते हैं, व्यक्ति कहता तो है कि एक दूसरे से प्रेम का संबंध बना के, लेकिन वो कब बना सकते हैं? हम कब बना सकते हैं? जब हमें अपने कर्तव्यों का बोध, हमारे कर्तव्य क्या है। मान लीजिए आप समाज में रहते हैं, आप समाज का मतलब क्या होता है, हमारे आसपास का जो वातावरण है जिसमें हम रहते हैं, अपनी दिनचर्या का निर्वहन करते हैं, वहां पर अपनी दिनचर्या पूरी दिनचर्या का पूरा कार्य करते हैं, तो वो क्या है, समाज के द्वारा। तो क्या है, समाज को सुखी और संपन्न यदि हमें बनाना है, कि समाज में जहाँ हम रहते हैं आसपास वहां पर हमारा किसी से लड़ाई झगड़ा बैर ना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना पड़ेगा और ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा जैसा कि हम ये से चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति हमसे प्रेम से, तो चाहने से क्या होता, जब हम दूसरों से प्रेम से बोले तभी तो वो व्यक्ति भी हमसे प्रेम से बात करेगा। कहते हैं ना कि प्रथम व्यक्ति का जो चरित्र जो गुण होता है वो केवल उसके वातावरण से ही समझ में आ जाता है कि यह व्यक्ति सभ्य है या असभ्य है। ये हम कब अंदाजा लगा सकते हैं बच्चों, जब हमें उसके वातावरण मतलब उसकी बोली से जो बातचीत कर रहा है उसकी वाणी में यदि मिठास है, तो हम क्या करते हैं, हम समझ लेते हैं कि यह व्यक्ति बहुत ही सभ्य और सरल स्वभाव का। यदि व्यक्ति की भी वाणी ही कठोर हो तो क्या करेंगे हम, व्यक्ति की यदि वाणी कठोर है तो क्या होता है, लोग कहते हैं इसकी वाणी में मधुरता नहीं है। फिर व्यक्तियों के संबंधों का निर्वहन तभी संभव हो सकता है जब हम अपने कर्तव्यों का समुचित पालन करें। अब आप जब जिस आसपास पड़ोस में रहते हैं और आपका सबसे पहला कर्तव्य क्या होता है, तो आप किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। दूसरा, आप दूसरों की मदद करें, ओके। और तीसरा कि आपके किए गए कार्यों के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को कर्तव्य बनता है कि आप बॉलीवुड टीवी का सुरक्षित है, जो आप गाने सुन रहे हैं उसका ही आवाज, उसकी आवाज भी तेज लगे, तो आप क्या है, आपका ये कर्तव्य है कि आप जो काम कर रहे हैं उससे किसी व्यक्ति को दुख ना पहुंचे, ये आपका एक कर्तव्य ही तो है। दूसरे को सुख देना ये कर्तव्य है, दूसरे की सेवा करना जैसे माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, समाज की सेवा करना, देश की सेवा करना, ये क्या है, जब हम सेवा करते हैं उसमें कुछ हमारे कर्तव्य आ जाते हैं कि ये हमें करना ही है। जैसे आपकी पढ़ाई,
पढ़ाई क्या है, आपको करना ही है, ये क्या है आपका कर्तव्य है। जब आप कर्तव्य करेंगे अपना कर्म करेंगे, कर्तव्य का कर्म, जब आप कर्म करेंगे तभी आपको फल मिलेगा। जैसे कि आपको बताया जाए कि आप एग्जाम कब पास होते हैं, जब आप अपना कर्तव्य करते हैं। कर्तव्य का अर्थ क्या है, अपना काम करते हैं। यदि आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या आप एग्जाम में पास हो जाएंगे, नहीं। तो कहने का मतलब हमारा यही है कि हमें अपना कर्तव्य, मतलब जो हमारा कर्म क्या है, स्टूडेंट लाइफ के कर्म क्या है, पढ़ाई करना, ये आपका कर्तव्य है। ओके, तो कर्तव्य का अर्थ है कि आपको अपने काम करते ही रहना है, लगना कि आपको फल की इच्छा रखनी है। इसके बाद आपको क्या है, जीवन में मतलब अपनी जिंदगी में हर पल हर क्षण हर दिन हर वक्त आपको कुछ ना कुछ ऐसे काम मिलते ही रहते हैं, वही काम आपके कर्तव्य की आपको ये काम करना ही है। कुछ कर्तव्य जो है मतलब कुछ काम हमारे व्यक्तिगत भी होते हैं, कुछ पारिवारिक भी होते हैं। कहने का मतलब कि हमारे कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जैसे पढ़ना, अपने शरीर को स्वस्थ रखना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, खाना खाना, स्वयं, ये आपके अपने जो है स्वयं के जो है क्या है कर्तव्य। और पारिवारिक कर्तव्य क्या होते हैं, परिवार की देखभाल करना, अपने माता पिता की सेवा करना है ना। और कुछ आपके सामाजिक कर्तव्य होते हैं, कुछ कर्म होते हैं आपके, वो होते हैं समाज के प्रति, और कुछ आपके राष्ट्रीय मतलब अपने देश के प्रति आपके कुछ कर्तव्य होते हैं। सबका हित, सबका सुख, सबका कल्याण कर्तव्य में महत्वपूर्ण होता है। जो आप कर रहे होते हो उसमें क्या है, आपको जो है उसमें ध्यान देना है कि उसमें सबका अच्छा हो, सबका कल्याण हो, सबका सुख हो, तभी यह कर्तव्य आपका सफल होता है। जिस समाज के लोगों को अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का भी ज्ञान नहीं होता, उस समाज में सुख शांति प्रेम भाईचारा व्याप्त नहीं। कहने का मतलब है कि जिस समाज में व्यक्ति रहता है उस समाज के प्रति उसके कुछ कर्तव्य है, लेकिन समाज के सभी लोगों को जो है कर्तव्य जो करने चाहिए, उन्हें अपने अधिकार समझकर उन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। और यदि उन्हें अपने कर्तव्यों का बोध मतलब ज्ञान नहीं है तो उस समाज का क्या है, उस समाज में सुख शांति नहीं होगी और न आपस में भाईचारा होगा। तो यदि हमें अपने परिवार में अपने समाज में यदि सुख शांति और भाईचारा मतलब प्रेम चाहिए है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने कर्तव्य करते रहना पड़ेगा। जब हम कर्तव्य करेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, तभी हम इस समाज को उन्नत बना सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं और ये बढ़ा सकते हैं। जब सभी व्यक्तियों को अपने कर्तव्य जो है उसके वो उन्हें अधिकार समझकर उनको मानता जाए, उन अधिकारों की जो है अधिकारों के रूप में वह अपने कर्तव्यों को निभाता जाए, और तभी ये समाज जो है क्या हो सकता है, संपन्न हो सकता है, आगे
संबंध में जो है एक कर्तव्य बोध में एक कहानी भी है, वो है आपकी श्रवण कुमार। तो श्रवण कुमार कौन था? उसके माता पिता कहाँ के रहने वाले थे? उसके माता पिता कैसे थे? तो इस कहानी के माध्यम से हम अपने कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे और आप ही बताएंगे हमको कि यहाँ पर कौन सा कर्तव्य निभाया जा रहा है। यहाँ पर समाज के प्रति है या अपने माता पिता के प्रति है या अपने परिवार के प्रति है। ओके, तो एक श्रवण कुमार का नाम का एक बालक था जो कि अयोध्या का वासी था और उसके पिता का नाम शांतनु और माता का नाम जो है भाग्यवती थी। श्रवण कुमार कहाँ का रहने वाला था? अयोध्या का रहने वाला था और उसके पिता का नाम जो है शांतनु था और माता का नाम क्या था? भाग्यवती था। दुर्भाग्य की बात थी कि श्रवण कुमार के माता पिता जो थे वो कैसे थे? जन्म से ही अंधे थे। अंधे का मतलब आप जानते हैं, उनकी आंखें नहीं थी, वो देख नहीं सकते थे। श्रवण कुमार कहाँ का निवासी था? श्रवण कुमार जो है अयोध्या का निवासी था। अयोध्या का नाम तो आपको सुना ही होगा, इसकी जन्मभूमि है श्री राम की जन्मभूमि। कहाँ की? वो जो है अयोध्या का निवासी था। तो अयोध्या किसकी जन्मभूमि है? श्री राम की जन्मभूमि है। तो राम, श्री राम जी के बारे में तो आप जानते होंगे, वो चार भाई थे और उनके पिता का नाम दशरथ था, माता का नाम दशरथ। तो वही अयोध्या है जहाँ के रामचंद्र भगवान की जन्मभूमि ना, तो वो भी श्रवण कुमार भी वही अयोध्या का रहने वाला था। और उसके माता पिता का क्या नाम था? माता का नाम था भागवती, भागवती, और पिता का नाम था शांतनु। श्रवण कुमार के माता पिता जो है जन्म से कैसे थे? अंधे थे। और श्रवण कुमार जो अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था, लौता पुत्र था जिसमें श्रवण कुमार भी अपने माता पिता से बहुत अधिक प्रेम करता था। एक दिन श्रवण कुमार के माता पिता ने इच्छा जो है जाहिर की कि काश मैं भी जो है चार धाम मतलब तीर्थ यात्रा हम भी कर पाते। ऐसे ही माता पिता आपस में अपनी चर्चा जो है कर रहे थे और श्रवण कुमार ने शायद ये बात जो थी माता पिता के बीच चल रही थी, श्रवण कुमार आ जाता है और अपने माता पिता को सुन लेता है और उसके मन में विचार आता है कि मैं अपने माता पिता को कैसे चारों धाम तीर्थ यात्रा कैसे करा सकता हूँ। उसके मन में वही बात गूंजने लगी और वो जो है अपने माता पिता से कहता है कि पिताजी माताजी मैं आपको तीर्थ करवाऊंगा। तो माता पिता उसको कहते हैं कि श्रवण बेटा तुम परेशान मत हो, हम तो ऐसे ही चर्चा कर रहे थे और हम जाएंगे भी तो हम क्या तीर्थ यात्रा को हम कर पाएंगे, हम तो अंधे हैं, हम कैसे
देख पाएंगे हमने कौन सा तीर्थ किया, तीर्थ किया। श्रवण कुमार ने कहा कि माता पिताजी आप मेरी आंखों से आप दर्शन करेंगे और मैं आपको तीर्थ यात्रा कराऊंगा। उसने एक कांवर, आपने देखी होगी कि कांवर में क्या होता है, एक डंडा होता है और इसमें यहाँ पर और एक यहाँ पर है एक नलिया सी होती है और इसमें वो लोग पानी भरते हैं या इसमें किसी को वो बिठा लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक कांवर एक डंडी मतलब ली और उसमें वो डोलचिया लगाते हैं, डोली सी इतना बैठने का स्थान बनाया और उसको अपने कंधे पर रखा और एक जो कांवर था दलिया की उसने अपनी माता को बिठाया और एक पीछे रखा उसने अपने पिता को उसने बिठाया और वो तीर्थ यात्रा पर निकल गया। अब श्रवण कुमार इस आशा से भी अपने माता पिता को जो है तीर्थ यात्रा करा रहा था, इस शायद तीर्थ यात्रा करने से भी मेरे माता पिता की रोशनी वापस आ जाए। और श्रवण के सामने समस्या यह थी कि वह अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कैसे करवाए, लेकिन उसने ये समस्या का भी क्या किया, हल कर दिया। और एक जैसा कि मैंने आपको बताया एक पंडित ने अपनी माता को एक पंडित में अपने पिता को बिठाया और तीर्थ यात्रा पर निकल गया। भ्रमण करते हुए अपने माता पिता की ज्योति आंखों की वापस लाने के लिए वह कामना करता है, पवित्र नदियों पर जल उनकी आंखों पर लगाता है कि मेरे माता पिता की रोशनी वापस आ जाए। जंगल पहाड़ नदी नाले पार करता हुआ वह जहाँ रुकता है अपने माता पिता को विश्राम वहां पर कराता है। अब एक जगह पर अंत में जब श्रवण कुमार और उसके माता पिता लौटकर वहां से आ रहे थे तब उनके पिता को क्या लगी, प्यास लगी। और जब प्यास लगी तो श्रवण कुमार ने सोचा, जब माता पिता ने कहा श्रवण बेटा मुझे प्यास लगी है, तो श्रवण कुमार माता पिता से पिताजी माता जी आप यहाँ विश्राम करिए, मैं आपको जल लेकर आता हूँ। और जब वो जल लेने के लिए जाता है नदी में और घड़े को जैसे ही उसमें डालता है तो एक राजा शिकार कर रहे थे, उन राजा का नाम था दशरथ जी। आवाज सुनकर जो है क्या करते थे, निशाना लगाते थे। तभी उनको उस घड़े की आवाज पानी भरने की आवाज आई होगी और उन्होंने अपना निशाना साधा सुनना शुरू किया। तो यहाँ पर क्या है, श्रवण कुमार की मृत्यु होने लगती है। आपकी जोर की आवाज सुनते हैं राजा दशरथ को दौड़ कर आते हैं और वो क्षमा याचना करते हैं कि मुझसे बहुत बड़ा ही गुनाह हो गया, यानी किसी निर्दोष की हत्या कर दी। तब श्रवण कुमार से माफी मांगकर श्रवण कुमार ने कहा कि आपको पाप नहीं लगेगा यदि आप मेरे अंधे माता पिता को जल पान कर जल ग्रहण करा देंगे। तो वो जाते हैं राजा दशरथ जल लेते हुए और माता पिता श्रवण कुमार के माता पिता को बुलाने के लिए। तो वो अपने श्रवण उनकी आंखों का तारा था और वो श्रवण बोलते हैं। तो राजा दशरथ जी जब पूछते हैं तो कहते हैं श्रवण बेटा आ गए हो पानी लेके, तो राजा दशरथ जी कुछ नहीं बोलते हैं। श्रवण के माता पिता जोर से कहते श्रवण श्रवण जब आवाज नहीं देते हैं, राजा दशरथ सोचते हैं ये पहले पानी पी लेंगे उसके बाद में आवाज हुई, तो वो भी समझ जाते कि मेरा बेटा श्रवण नहीं है। और वो कहते हैं कि कौन हो तुम, तब राजा दशरथ जी बोलते कि आप पहले पानी तो पी लीजिए फिर मैं बताता हूँ, लेकिन वो भी नहीं मानते क्योंकि उनका अपने पुत्र के प्रति प्रेम था। ओके, तो उन्होंने जो है क्या किया,
जल नहीं दिया और राजा दशरथ जी को उन्होंने श्राप दे दिया। जैसे आज हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर हमारे प्राण निकले, ऐसे ही आप भी अपने पुत्र वियोग में आप भी अपने प्राण को त्याग दें। इसीलिए था कि राजा दशरथ जी ने अपने प्राण किसके वियोग में छोड़े थे, रामचंद्र जी, यही श्राप था। लेकिन आपने इस कहानी को पढ़ा और इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में भी और कर्तव्य बोध के बारे में और कहानियों भी पढ़ेंगे नैतिक शिक्षा में। तो आपने आज का जो कहानी पढ़ी उसमें आपने क्या समझा? उसमें हमने यही समझा कि यहाँ पर श्रवण कुमार ने के जो कर्तव्य थे किसके प्रति, अपने माता पिता के प्रति उसने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। ओके, तो इसमें हमें क्या समझ में आया कि यहाँ पर शिवा कुमार ने जब वो किया कि यहाँ पर मातृत्व भक्ति के प्रति, मतलब जो हमारा कर्तव्य होता है वो किसके प्रति यहाँ पर बताया है, अपने माता पिता के प्रति। क्या हमारे माता पिता का ही कर्तव्य बनता है कि बच्चों के लिए हमेशा प्यार करें? तो कुछ बच्चों का भी कर्तव्य बनता है, कुछ कर्म बनता है, कुछ काम बनता है कि हम अपने माता पिता की सेवा करें। ओके, आज का टॉपिक यही खत्म होता है और इसके बाद हम इसी टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में और नैतिक शिक्षा पर ज्ञान भी हासिल करेंगे। ओके, थैंक यू।